Hey guys, welcome to Wi-Fi City, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाई-फाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, मात्र 12-15 मिनट का, जिसके अंदर 12-13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कवर करवाता हूँ। उम्मीद है आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे और डे बाय डे अपनी नॉलेज इंप्रूव करते होंगे। कल दोस्तों सुबह 8 बजे वाला सेशन अपना नहीं हो पाया था, बिकॉज जब मैं स्टार्ट करने वाला था तभी दोस्तों इंटरनेट इश्यू हुआ और बिल्कुल भी इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही थी। मतलब तो मैं लाइव करता तो बहुत बफरिंग होता, मतलब तो मैंने सोचा कि क्लास नहीं करना, ज्यादा बेटर रहेगा कि बफरिंग होके क्लास लेने से। तो आज हम लोग दोस्तों कवर करेंगे, 2 दिन का आज और 2 दिन का कल है जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए 10th of November है, स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे, जो कि हमारे प्यारे रतन टाटा जी के एक कोट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जीनियस पर्सन है, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ के जीने के तरीके के बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन, पर्सन, फिलेंथ्रोपिस्ट है। ये बोलते हैं, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट ओन रस्ट कैन। इसीलिए लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। आयरन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग डिस्ट्रॉय कर उसको खत्म कर देती है। इसीलिए कोई भी इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का माइंडसेट है जो कि उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अपने माइंडसेट को मेंटेन करना, अच्छा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमेशा सिंपल रास्ते जो होंगे ना, जिसमें मन बहुत करता है, हमेशा वो आपके माइंडसेट को लगेगा कि गलत आगे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग रहो, थोड़ा सा मजबूत रहो, आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है वो इतना कंट्रोल होने लगेगा कि आपको मन को भी कंट्रोल करने लगेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि रतन टाटा के जी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU10 या फिर Bhunesh10 है जो कि लगा सकते हैं रेफरल कोड 10% ऑफ के लिए अनअकैडमी प्लस पे। चाहे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, कैट, IIT कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। ओके, ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए SSC में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है जीके का, जहां पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि प्राइसेस जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो अभी तो 450 रुपये पर मंथ में मिल रहा है, आप EMI के माध्यम से भी ले सकते हैं, 1 साल का या फिर 2 साल का। ओके, जल्दी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो गाइज अभी कर लेना। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डैश में रो पैक्स नौका सेवा का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये गुजरात में किया गया है, रो पैक्स फेरी सर्विस। तो मोदी जी की ज्यादातर योजनाएं आपको वैसे गुजरात में मिलेगी, मतलब तो 70% पॉसिबिलिटी है कि आंसर हमेशा गुजरात होगा। ओके, तो ये फेरी सर्विस है, हजीरा गोगा रो पैक्स, है ना। ये साउथ गुजरात और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को कनेक्ट कर रही है। 370 किलोमीटर की जो दूरी है ना, उसको घटा के ये 90 किलोमीटर है जो कि कर देगा। तो एक फेरी है जो कि स्टार्ट करी गई है, तो गुजरात में करी गई है, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिर के अंदर, वहां तक जाने में काफी आसानी है जो कि हो जाएगी, ठीक है। गुजरात की बात करें, 33 डिस्ट्रिक्ट, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर है, विजय रूपाणी जी CM, 182 विधानसभा, 36 लोकसभा, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। मेजर डैम की बात करें तो दंतीवाड़ा डैम दोस्तों बहुत ही फेमस है, ओके, वेस्ट बनास के ऊपर, और कमलेश्वर डैम हिराने डैम के नाम से भी फेमस है, सरदार सरोवर आपको मालूम है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सी प्लेन स्टार्ट करे हैं। वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और स्ट्रीट गरबा जो है, ओके, वो करवाने के लिए इस बार COVID-19 के लिए मना कर दिया गया। IMU साइन किया गया है डेनमार्क के साथ में, और स्टार्टअप के अंदर और एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक है जो कि हासिल करी है। NPCI ने सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर पर UPI में संसाधित होने वाले कुल वॉल्यूम के डैश का कैप लगाया है। तो UPI के ऊपर तो NPCI ने बोल दिया कि कोई एक सिंगल कंपनी है ना, ऐसा नहीं कि सारा सारा UPI ट्रांजेक्शन वही कर रही है, उसके ऊपर मैक्सिमम 30% का कैप है जो कि लगा दिया गया है। ओके गाइस, एक कैप लगाया 30% का टोटल वॉल्यूम, यानी कि 100 रुपये अगर मान लीजिए UPI के थ्रू जा रहे हैं ना, तो 30 रुपये ही है जो कि मैक्सिमम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर कर सकता है उसको, समझ गए मेरी बात। 21 थर्ड पार्टी ऐप है, व्हाट्सएप, अमेजन, सैमसंग, गूगल सभी है जो कि चल रही है ना, फोन पे, फोन पे ये सब। NPCI की बात करें तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है जो कि भारत में देखती है। RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इसकी शुरुआत 2007 में करी गई। कंपनी एक्ट के तहत दोस्तों ये काम करती है, ठीक है गाइस, है ना। सेक्शन 25 है, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर।
निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म समारोह 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है? इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 की बात करें तो नटखट करके दोस्तों ये मूवी है, इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विद्या बालन जी की शॉर्ट फिल्म है और इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक मेल जो है वो डोमिनेट करते हैं घर के अंदर, है ना, जबकि आपको मालूम है अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं को भी काफी टैलेंट है, काफी आगे बढ़ सकती है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों नटखट, ओके, विद्या बालन जी के द्वारा एक को प्रोड्यूस है जो कि किया गया है ना, 2021 के ऑस्कर क्वालिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल बन गई है। हाल ही में सुदर्शन रतन जी का निधन हो गया, वह एक कौन थे? सुदर्शन रतन जी दोस्तों बहुत ही पुराने फिल्म मेकर हैं जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। और ठीक है, माधुरी दीक्षित शेखर सुमन की मूवी थी एक मानव हत्या, वो मूवी इन्होंने बनाई थी 86 के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज है जो कि इन्होंने बनाई है, ठीक है, कई सारी मूवी लिखी है, प्रोड्यूस करी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मानवों में अपरिवर्तित कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी मिंक को मारने का फैसला किया है? तो ये बहुत ही सैड एक न्यूज है मतलब, और वो भी इतने डेवलप कंट्री के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा ऐसा फैसला लेना कि सभी मिंक को मार दिया जाएगा बिकॉज यहाँ से कोरोना वायरस ह्यूमन में फैल रहा है, इस वजह से सबको मार देना, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन है मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। और ये देखिए मतलब कितना प्यारा सा एक जानवर है मतलब, ओके, तो साइंस का रोल यहीं पर ही होता है मतलब, जब अगर मान लीजिए कोई एनिमल से कोई अगर ह्यूमन के अंदर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो साइंस बीच में आती है, साइंस का यही काम है इसको रोकने का। इसका मतलब ये नहीं आप इनको मार दो या फिर इनको मार दो, है ना, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन जो कि डेनमार्क ने लिया है। और यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, 15 मिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है जो कि मिंक की बताई जा रही है। देखिए एक जानवर है मिंक, है ना, तो काफी ज्यादा हो गई पॉपुलेशन। डार्क कलर्ड सेमी एक्वाटिक कोरोना वायरस मैमल है, मतलब दो स्पीशीज होते हैं, तो अमेरिकन मिंक और यूरोपियन मिंक, ओके। यहाँ पे 1,000 से ज्यादा मिंक के फार्म्स है डेनमार्क में जो कि 40% वर्ल्ड के मिंक प्लेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है फर का, चाइना हांगकॉन्ग में एक्सपोर्ट करता है। 400 ह्यूमन कोविड इन्फेक्शन जो है वो नॉर्दर्न डेनमार्क में मिंक के फार्म से एसोसिएटेड बताए जा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने ये फैसला है जो कि लिया है, ये देख सकते हो आप दोस्तों। ओके, एनएसडी जब हम बोलते हैं ना, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्रीज माने जाते हैं, तो इसी में से है डेनमार्क एक कंट्री, ठीक है। कोपेनहेगन कैपिटल है और मीट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, करेंसी यहाँ पे डेनिश क्रोनर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार है जो कि जीता है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो पुरस्कार जीता गया है वो तमिलनाडु के द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड के अंदर जीता गया है दोस्तों, ओके। 7 प्राइज डिफरेंट कैटेगरी में तमिलनाडु ने जीते हैं। तमिल लैंग्वेज आपको मालूम है ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज है, 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। इसके अलावा रामेश्वरम आपको मालूम है, रामनाथा स्वामी टेम्पल यहाँ पे बड़ा फेमस है, ज्योतिर्लिंग है मतलब रामेश्वरम आइलैंड के ऊपर शिवा का टेम्पल है 12 ज्योतिर्लिंग में से, ओके। इसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल भी तमिलनाडु में बना था। पोंगल, जल्लीकट्टू, नथियांजलि फेमस फेस्टिवल है। डांसेस की बात करें कोलाटम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया, पहला राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर काम किया। जीआई टैग जो है तंजावुर नेटिव वर्क और अरम्बोर वुड कार्विंग को मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रवासी अमूर फैल्कन के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी करी है? फैल्कॉन्स के भी शिकार किया जाता है और ये बहुत ही बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स है दोस्तों, बड़े दूरी से आते हैं, तो त्रिपुरा ने दोस्तों इसके ऊपर बैन है जो कि लगा दिया है, वार्निंग है जो कि जारी करी गई है दोस्तों, किल करना, वार्न करना, 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक का फाइन है जो कि लग सकता है। ऐसे होते हैं दोस्तों फैल्कॉन्स, बहुत ही जबरदस्त है, आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है पूरी दुनिया के अंदर, है ना, विंटर के अंदर ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं साइबेरिया नॉर्दर्न चाइना से, 1,000 से भी ज्यादा इंडिया की तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी इनके लिए हैबिचुअल होती है और थोड़ी सी अच्छी कंडीशन होती है रहने के लिए, मतलब 20,000 से भी ज्यादा किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं मतलब, ओके। अमूर रिवर जो है रशिया चाइना के वहां पर है तो उसी के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है, देखिए मतलब हमारे यहाँ पे आगे से यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ से आगे जाएंगे, है ना, इस तरीके से मतलब ये ट्रैवल करते हैं। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला कैपिटल, रमेश जी दोस्तों गवर्नर है, विप्लव जी सीएम है, 60 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा की सीट है,
छप्पन में इसका फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए त्रिपुरा। जनरल फैक्ट्स की बात करें तो किरत देश ओल्डेस्ट नेम है त्रिपुरा का, और NH-8 दोस्तों त्रिपुरा से रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। आसाम रोड को भी बोलते हैं, लोकल लाइफलाइन है नॉर्थ ईस्ट का। त्रिपुरा पावर कंपनी दोस्तों थर्मल पावर प्लांट है जो कि यहाँ पे काफी फेमस है। इसके अलावा ठीक है, ONGC का सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में जो प्लांट है वो भी त्रिपुरा के अंदर है। होमो बैम्बू भी कहते हैं, बैम्बू बहुत ज्यादा है यहाँ पे। भारत में कानूनी सेवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? कानूनी सेवा दिवस की बात करें तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, लीगल सर्विस डे। ओके, ये देखिए कानून क्या है, अंधा है कानून, है ना। यहाँ पे आपको एविडेंसेस रखने होते हैं, जहां पे ज्यादा वहां पे ये नीचे चले जाता है। ओके चलिए, रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? रेडियोलॉजी का जो मनाया जाता है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है गाइज। और मेडिकल इमेजिंग के अंदर, मॉडर्न हेल्थ केयर के अंदर रेडियोलॉजी के रोल को लेकर बात करी जाती है। इसी के डिस्कवरी के लिए पहली बार रॉइंगटन साहब को 1895 में फर्स्ट नोबेल अवार्ड है जो कि केमिस्ट्री का मिला था। ओके गाइस, चलिए, मोदी जी ने डैश में सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो सहित 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो वाराणसी को दोस्तों जो है यहाँ पे अभी जो है यूपी और बिहार में, तो आज 10 तारीख है ना, तो बिहार में तो आज रिजल्ट है, और बिहार में तो मेरे को लग रहा है कि सीएम जो है वो तेजस्वी यादव बनने वाला है। बाकी अब जो दिल्ली से जो नए नए प्रोजेक्ट है, अब उनकी गाड़ी जो है वो बंगाल और यूपी की तरफ है जो कि मुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही जगह पे, बंगाल में पहले इलेक्शन है फिर बाद में यूपी में भी है, दमादम जो है अब वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करी जाएगी। 614 करोड़ रुपए की बहुत अच्छी बात है, हालांकि मतलब कुछ तो हुआ एटलीस्ट। तो ये कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी के अंदर है, जो कि ये प्रोजेक्ट 614 करोड़ रुपए के 5 LED मोबाइल वैन हो गई, बड़ी बड़ी स्क्रीन हो गई, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे लॉन्च करी जा रही है। ठीक है, सारनाथ आपको मालूम है 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, गंगा और वरुणा रिवर का जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कन्फ्लुएंस माना जाता है, गौतम बुद्ध दोस्त के नाम पे। दोस्तों गौतम बुद्ध की वजह से सारनाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, काफी लोग हैं जो कि सारनाथ के अंदर आते हैं, पहली टीचिंग उन्होंने यहीं पर ही दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर डैश करने की घोषणा करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है जो कि कर दिया गया है। ओके गाइज, इससे पहले भी HRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो कि कर दिया गया था। नवंबर 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जहाज निर्माण और मीडिया क्षेत्र सहित क्षेत्रों में सहयोग सहित 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों किसके साथ में, इटली के साथ में है जो कि करे हैं समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक है गाइस, तो इंडिया और इटली ने 15 एग्रीमेंट है जो कि कई सारे सेक्टर में करे हैं। मोदी जी और इटालियन काउंटर पार्ट है कॉन्ट उनके बीच में हुए हैं, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, मीडिया सेक्टर, इन सभी के अंदर। इटली की बात करें तो आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी है, इसी के बाजू में है, एक तरफ यहाँ पे मेडिटेरियन है और एक तरफ एड्रियाटिक है, दोनों के बीच में है ये, है ना, कॉर्सिका नाम का ये आइलैंड है, फ्रांस का ये आइलैंड। ओके चलिए, तो रोम कैपिटल है ना, यूरो यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, ये दो छोटे छोटे से देश है, ये भी यहीं पर ही है, इसी के अंडर में बीच में बने हुए हैं। मछली पकड़ने के समुदाय की बेहतर आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने परिवर्तनम योजना शुरू करी है? तो परिवर्तनम जो करी गई है ये केरला के द्वारा दोस्तों करी गई है परिवर्तनम योजना। ओके, जो फिशरीज वाले लोग हैं उनके लिए। तिरुवनंतपुरम कैपिटल, 14 डिस्ट्रिक्ट, आरिफ खान जी यहाँ पे गवर्नर, पिनराई विजयन जी चीफ मिनिस्टर, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम बहुत ही फेमस डांसेस। रिसेंटली न्यूज की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है टूरिज्म और कल्चर के प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने इनोग्रेट किया टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर केरला में। ओके, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक भी यहाँ पे लॉन्च करे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बनाया गया। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नम्मत बसाई नाम के दोस्तों यहाँ पे एक और यूनिक प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट करे जा रहे हैं। ओके, और ये जो प्रोग्राम है गाइज ये किस लिए है, मदर टंग के अंदर चिल्ड्रन को सिखाने को लेकर, ट्राइबल बच्चों को।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस चाहिए जो कि दिन में 10 बजे और 1 बजे होती है, दिन में 10 बजे होती है यूपीएससी के लिए और 1 बजे एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। भुवनेश शर्मा सर्च करो और फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रेफरल कोड लगाना है, कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो BHU10 या फिर भुवनेश 10 लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है SSC के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तो आपको 450 रुपये पर मंथ के अंदर आपको SSC का सब्सक्रिप्शन है जो कि मिल रहा है। मेरा भी यहाँ पे GK का कोर्स है जो कि अभी चल रहा है। कुछ नहीं करना, आपको SSC एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, उसके बाद में 500 रुपये पर मंथ पे जाके रेफरल कोड पूछेगा, तो BHU NESS भुवनेश 10 या फिर BHU10 लगा दो और अप्लाई कर दो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। नवंबर 2020 में वन रैंक वन पेंशन स्कीम ने 1.5 वर्ष पूरे करे हैं, कितने वर्ष पूरे करे हैं ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं 8 बजे वाले धमाकेदार सेशन के अंदर। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।